ये वो ही रहती है जहां बचपन से अपन ने कई आंदोलन किए। मेरे आंदोलन के समय के साथी आज मेरे साथ मंच पर भी खड़े और नीचे भी बैठे। हम सब लोग उस जमाने में किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे। आपको याद होगा कितने आंदोलन हमने किए। ये वही माटी और वही धरती है जिसका बचपन से मुझे आशीर्वाद मिला। आपने पहले मुझे विधायक बनाया, फिर आपने सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। आज एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री बन के मैंने आपका मान और सम्मान घटाया नहीं, आपकी शान और पहचान पूरे हिंदुस्तान में स्थापित की। और सवा साल भूले नहीं हो गए जब अपनी सरकार चली गई थी, सवा साल में एक भी काम हुआ क्या? अरे हुआ क्या, सारे काम हमारे बंद कर दिए गए, ठप्प कर दिए गए। बुदनी रैठी बहुदा को सौतेली नजरों से देखा गया और वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं गया। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था उस समय, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको बचपन से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। मैं हमेशा कहता हूं मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार हैं। बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं क्या? तो क्या लगता हूं? अकेला मामा नहीं हूं। बहनों का क्या लगता हूं? बहनों का मैं भाई हूं, बच्चों का मैं मामा हूं और अब तो बूढ़ों का भी मामा ही हो गया। कुछ दिनों में लगता है शिवराज भूले जाएंगे लोग, केवल मामा ही रह जाएगा। लाडी लक्ष्मी बेटियों ने मुझे पैसा दिया, लाडी लक्ष्मी बेटियों की थैली मिल गई क्या? देखो एक अजूबा है ये, कई जगह नेताओं से लोग पहले मांगते चुनाव में पैसा कि पैसा दो तब काम करेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान है जिसको जनता देती है पैसा कि भैया तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें पैसा दो। अब मुझे कोई 100 का रुपया देता है, 100 का नोट, कोई 50 का नोट, अभी ये बहने देती है, माताएं देती है, हाथ में पकड़ाती है, कहती भैया ये चुनाव के लिए। ये क्या है? ये जनता का असीम प्रेम है मेरे बहनों और भाइयों, असीम